नमस्कार, मेरा नाम है रेणु सकलानी और आप देख रहे हैं इस वक्त अमर उजाला .com। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बागुणा और इस वक्त कौशल विकास, पशुपालन विभाग जैसे कई विभागों की जिम्मेदारी इस वक्त बागुणा जी पे है। तो आज अमर उजाला की इस चर्चा में वो शामिल हो रहे हैं और आज उनसे इस चर्चा के दौरान हम जान पाएंगे कि उनके विभाग में किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, धरातल पर कौन सी योजनाएं उतारी गई हैं और कितना उनका रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आगे की क्या योजनाएं रहेंगी, ये सब भी हम आज इस चर्चा में जानेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और मैं पहले सवाल के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अमर उजाला की पूरी टीम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और पहले सवाल के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आफताब बचमत जी को। तो आप अपना पहला सवाल। उत्तराखंड में कौशल विकास पे वैसे तो कई सारी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, उत्तराखंड का स्किल डेवलपमेंट का एक अपना अलग से है, तमाम सारे केंद्र चल रहे हैं। तो पिछले अगर आप ही के कार्यकाल की बात करें तो उनसे कितना फ़ायदा हुआ है, मतलब कितने युवाओं को का कौशल विकास उनसे हुआ होगा, पहली बात तो ये मैं जानना चाहूँगा। दूसरा ये कि जितने कौशल विकास केंद्र हैं उनमें आमतौर पर बड़ी गड़बड़ियों की शिकायतें आती रहती हैं कि केंद्र खुलते हैं और वो फिर ऐसे ही कागजों में चलते हैं, उसको रोकने के लिए आपकी सरकार ने क्या प्रयास किया? जब मैंने ये विभाग ज्वाइन किया था 2022 में, थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा था क्योंकि जब मैंने एक समीक्षा बैठक करी थी तो जब मैंने इनसे पूछा कि कितने बच्चों को आपने प्रशिक्षित किया है और कितने बच्चों की एम्प्लॉयमेंट हुई है उसके बाद, तो हमारे विभाग के पास ये नंबर्स थे नहीं उपलब्ध। और मेरी एक कोशिश रही है पिछले 1.5 साल से जब भी हम लोग सरकार में हैं 2022 से, कि जितने भी युवा हैं जो ITI का प्रशिक्षण ले रहे हैं या स्किल डेवलपमेंट का ले रहे हैं, इनको उन स्किल्स में ट्रेन किया जाए जो आज उत्तराखंड की डिमांड है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या आई रिव्यू करने के बाद, जो हमको समझ में आया कि किसी भी बच्चे को किसी भी ट्रेड में हमने स्किल डेवलपमेंट में उसको ट्रेनिंग दे दी जिसकी डिमांड उत्तराखंड में थी ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो डिग्री लेके सड़कों पे घूम रहे थे स्किल की कि हम प्रशिक्षित हुए हमको नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाई। तो हमारा फोकस एरिया 1.5 साल में स्किल अकॉर्डिंग टू डिमांड पे रहा है। उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, ज़रूरी स्टेप्स उठाए हैं। एक तो आपने बोला फर्जीवाड़े की बात कही आपने कि काफ़ी जो हमारे टेम्प्ररी खुलते थे ऑफिस बंद हो गए, फिर उसमें फर्जी बना हुआ, उसके चक्कर में हमने एक नई पॉलिसी बनाई कि हम जो भी ट्रेनिंग अब उत्तराखंड में कराएंगे वो वाया डोमेन एक्सपर्ट्स कराएंगे, रेप्यूटेड कंपनीज के द्वारा कराएंगे। और इस पूरी पॉलिसी को हमने कैबिनेट से स्वीकृति करवा के सारे नॉर्म्स चेंज करवाए। अब जितने भी बड़े कंपनीज हैं उनको हम डोमेन एक्सपर्ट्स को हम इन्वाइट करते हैं, वो आके हमारे यहाँ अपने स्किल डेवलपमेंट बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड। दूसरी चीज़, हायरिंग की भी जिम्मेदारी हमने उन्हीं पर रखी है कि ये ना हो कि आपने बच्चे को स्किल तो दे दी लेकिन उसके बाद वो बेचारा फिर घूम रहा है सड़कों पे। तो हमारी कोशिश यही है कि जो डोमेन एक्सपर्ट बच्चे को ट्रेन कर रहा है वो उनको हायर कराने की जिम्मेदारी भी लेगा। दूसरा हमने सबसे बड़ा काम ये किया है कि अगर किसी भी ट्रेड में हमको एक डोमेन एक्सपर्ट नहीं मिलता है तो हम उत्तराखंड के लोकल लोगों से उस वक्त उसमें स्किल की ट्रेनिंग करवाएंगे, लेकिन वो ट्रेनिंग किसी किराए के सेंटर में नहीं होगी, वो हमारे ITI इंस्टीट्यूट्स में होगी जिसको हम मॉनिटर कर सकें, CCTV में मॉनिटर रहे ITI इंस्टीट्यूट में हमारे प्रिंसिपल्स के द्वारा, उसमें अटेंडेंस लगे, सब कुछ हो, ताकि जो फर्जीवाड़े की बात हो वो खत्म हो। आपने एक सवाल और पूछा कि कितने लोगों को हमने प्रशिक्षित कर दिया है इस साल, जो हमने नई पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया कैबिनेट स्वीकृत हुई है, तो हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया है डोमेन एक्सपर्ट्स के लिए और वो प्रोसेस अभी ऑन है। जैसे ही हमको टेंडर प्रोसेस के थ्रू सारे डोमेन एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे हम उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। अभी तक लगभग लोग जो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है कि जो हमारे सेवा आयोजन के द्वारा मेले लगाए जाते हैं या ITI के जो हमारे बच्चे हैं, तो 4,000 बच्चों के आसपास इस एक साल में हमने जो सेवा आयोजन के मेले लगते हैं, रोजगार मेले, उसमें हमने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। जो अप्रेंटिसशिप मेला लगता है हमारा, उसमें लगभग एक साल के अप्रेंटिसशिप में लगभग 4,500 बच्चों को रोजगार मिला है। हमने एक नया सेल शुरू किया पहली बार उत्तराखंड में, विदेश भेजने का बच्चों को हमने एक सेल शुरू किया और अच्छा रिजल्ट मिला क्योंकि हमारे 31 बच्चे जापान में एल्डरली केयर के लिए सिलेक्ट हुए हैं जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। मेरे ख्याल से इस साल के एंड में वो जापान जाएंगे, अच्छी सैलरी पे जा रहे हैं। उसी के साथ साथ हम आयरलैंड, लंदन और जर्मनी के साथ भी MOU साइन कर रहे हैं क्योंकि देखिए वहाँ पर बहुत सारे कौशल की कमी भी है और ज़रूरत भी है, और उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो टैलेंटेड हैं। उत्तराखंड के बच्चों को अगर हम एक नई मार्केट उपलब्ध करा सकते हैं तो वो हमारे विभाग की कोशिश रहे। गुजरात की अपनी पहचान है दुग्ध उत्पादन के लिए, एक ब्रांड, बड़ा ब्रांड है जो पूरे देश में अपनी सप्लाई देता है।
उत्तराखंड की पहचान उसके पर्यटन से होती है, उसकी प्रकृति से होती है, उसके प्राकृतिक सौंदर्य से होती है। तो वो दिन कब आएगा, वो साल कब आएंगे जब हम गर्व से अपने प्रोडक्ट या हमारा जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हम अपने को आत्मनिर्भर भी बना सकेंगे, हमारे यहाँ के जो कृषक हैं, जो पशुपालक हैं वो खुश रहेंगे, और जो हमारे प्रोडक्ट हैं यहाँ के लोग उसको स्वीकार करेंगे। यहीं के लोग नहीं स्वीकार करेंगे बल्कि पड़ोसी राज्य भी हमारे प्रोडक्ट को उतनी ही गंभीरता से लेंगे जितने दूसरे राज्यों के प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं कि देखिए उत्तराखंड की जो आर्थिकी है, ग्रामीण आर्थिकी की अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है जो मेरे तीन विभाग हैं, मत्स्य विभाग हो, चाहे वो मिल्क फेडरेशन हो और चाहे वो पशुपालन विभाग हो, ये तीन विभागों का मेरा अपना मानना ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। और लगातार पिछले एक साल में हमने कोशिश करी है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, हमने हमारे पशुपालकों हों चाहे हमारे दुग्धपालक हों, इनको हमने रिलीफ देने की बात कही है। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताना चाह रहा हूँ जो हमने पिछले डेढ़ साल में लिए हैं हमारे दुग्धपालकों के लिए और आंचल ब्रांड को ठीक करने के लिए। आंचल ब्रांड की सबसे बड़ी समस्या जो हमको दिखी थी वो उसकी दो समस्याएं थी, एक क्वालिटी ऑफ मिल्क, कि उसकी क्वालिटी ऑफ मिल्क बहुत डिफर करती थी, एक दिन एक क्वालिटी थी दूसरे दिन दूसरी क्वालिटी सामने आ जा रही थी, और दूसरा उसकी मार्केटिंग, आंचल मार्केट अपने आप को नहीं कर पा रहा था। उसके 13 जिलों में 13 डिफरेंट लोगोज थे, ये पहली बार मैंने देखा कि कोई एक ऐसा ब्रांड था जिसके हर दुख संघ का लोगो अलग था, आंचल का मार्केट एक ही थी लेकिन लोगो 13 था। तो मेरी कोशिश यही रही कि इन दोनों चीज़ों पे फोकस किया जाए। पिछले डेढ़ साल में हमने जो अच्छे स्टेप्स लिए हैं अपने दुग्ध पालकों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 से 2022 तक अगर आप उत्तराखंड का औसतन मिल्क रेट का इंक्रीमेंट देखेंगे, जो हम मिल्क फार्मर से खरीदते थे दूध आंचल, वो हम 125 रुपये पर साल बढ़ाते थे। जब मैंने ज्वाइनिंग करी तो मुझे पता चला कि जो 1 लीटर बिस्लरी का रेट है और 1 लीटर दूध का रेट लगभग सेम था, 23 से 24 रुपये पे हम जो है, क्योंकि अगर आपका SNF ऑफ फैट कम होता है तो अकॉर्डिंगली उसका रेट कम होता है दूध का, और 22 से 23 रुपये लीटर पे हम आंचल दूध प्रिक्योर कर रहा था फार्मर्स से। तो मेरी कोशिश सबसे पहले ये थी कि फार्मर्स को उचित दाम मिले ताकि उनका इंटरेस्ट दूध पालन की तरफ वापस बढ़े, और हमने इस एक साल सवा साल के अंदर 8 से 12 रुपए का औसतन रेट बढ़ाया है, जो कि 125 रुपये बढ़ता था 2000 से 2022 तक का। आज आप किसी भी जिले में चले जाइएगा, 13 के 13 जिलों में आज आंचल का दूध का रेट जो हम फार्मर से खरीद रहे हैं कहीं पर भी 45 से 46 रुपये से कम नहीं है। तो एक तो हमने सबसे बड़ा स्टेप ये लिया। दूसरा हमारा सबसे बड़ा स्टेप था क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने स्पेशली जो एक्सपर्ट्स थे इस फील्ड के, जिन्होंने अमूल में या वर्का में या आनंदा में 25-25, 30-30 साल की सर्विस करी है क्वालिटी विभाग में, जो रिटायर हो गए थे, उनको हमने हायर किया और हमने उनको अपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए उनको जिम्मेदारी लगाई, जिसका फ़ायदा हमको मिला कि पिछले 6 महीने से 7 महीने से अगर आप देखेंगे तो आंचल के दूध क्वालिटी कंसिस्टेंट है, आंचल के दूध क्वालिटी अच्छी है। तीसरा जो हमने स्टेप लिया है कि जो पशुपालकों को और जो दुग्ध पालक हैं उनको कैसे इस रोज़गार की तरफ उनको बढ़ाया जाए, कैसे उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में और बढ़ाया जाए, तो हमारी बहुत अच्छी योजना है मिल्क फेडरेशन में, जिसका नाम है गंगा गाय योजना, और जिसमें हमने 3 और 5 गाय देते थे, SC ST और महिलाओं को हम 33% सब्सिडी पर देते थे, जनरल पब्लिक को हम 25% सब्सिडी पर देते थे। और क्योंकि मैं आपको मालूम है, अगर आप भाई आपने मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का रहा है, मुझे मिल्क और पशु का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगता था जो अधिकारी बता रहा है वो एकदम सही बता रहा है, वो यही होगा। लेकिन फिर मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया जस्ट टू मेक श्योर कि जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए बनाते हैं, छोटे पशुपालकों के लिए बनाते हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम मैंने रखा सरकार आपके द्वार, और मैंने ये रण लिया कि मैं जिस भी जिले में जाऊँगा वहाँ पर 2 छोटे पशुपालकों से, जिसके पास 2 गाय हो, 5 बकरी हो, 2 भैंस हो, उनके घर पर जाके पर्सनली मैं उनसे मिलता था, उनकी समस्याएं सुनता था, उसको मैंने पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। तो जब मेरे आपकी सरकार आपके द्वार के उस पर मैं लोगों के घर गया पहाड़ में, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि गंगा गाय योजना में आप 3 और 5 गाय देते हैं, लेकिन पहाड़ में इतनी जगह नहीं होती कि हम 3 और 5 गाय रखें, और हमारे को सब्सिडी 33% है जो कि कम है, हम गरीब लोग हैं, आपको ज़्यादा सब्सिडी होनी चाहिए। तो मैंने कैबिनेट से स्वीकृति करवाई कि अब गंगा गाय योजना में आपको 2 गाय भी मिल रही है, 3 गाय भी मिल रही है, 5 भी मिल रही है, और जो जनरल सब्सिडी 25% थी उसको हमने बढ़ा के 50% करने का काम किया। जो SC ST समाज के लिए और महिलाओं के लिए जो सब्सिडी 33% थी वो हमने बढ़ा के 75% करने का काम किया, ताकि लोगों का रुझान पशुपालन की तरफ और बढ़े और दूध के हमारा एक प्रोडक्शन बढ़े। तीसरा जो हमने बड़ा स्टेप लिया कि आप अगर आपके संज्ञान में होगी 2022 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो भूसे के रेट बहुत हाई हो गए थे, 16 रुपये प्रति क्विंटल पहुँच गया था भूसे का रेट,
और बहुत नुकसान हुआ पशुपालकों को, दुग्धपालकों को। तो हमने उत्तराखंड सरकार पहली सरकार बनी है जिसने भूसे पे 50% सब्सिडी देने का काम किया। हमने साइलेज पे पहले 50% सब्सिडी देते थे, हमने साइलेज पे 50% सब्सिडी बढ़ा के 75% सब्सिडी देने का काम किया। हमने मिनरल मिक्सचर हो, कैल्शियम हो, जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें एक पशुपालक के लिए ज़रूरी है, गाय के लिए ज़रूरी है, पशुओं के लिए ज़रूरी है, दूध उत्पादन के लिए ज़रूरी है, हमने उन सब पे सब्सिडी बढ़ा के लोगों को एक राहत देने का काम किया है। 4 रुपये की हम एक प्रोत्साहन राशि देते हैं हर दूध उत्पादक को। जब मैंने ज्वाइन किया था तो लगभग 22.5 करोड़ रुपये की जो हमारी राशि थी वो पेंडिंग था 1.5 साल से। और मैं मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ वो 1.5 साल की पेंडेंसी को क्लियर किया, लेकिन अगले साल का 22.5 करोड़ रुपये हमने एडवांस पशुपालकों को दिया ताकि उनको रेट अच्छा हो जाए उनके लिए। अगर हम 43 रुपये का रेट देते हैं और 4 रुपये की उनको प्रोत्साहन राशि एडवांस मिलती है तो 47 रुपये का रेट उनको टेक्निकली मिलता है। और आज कोई भी पशुपालक ऐसा नहीं जिसके अकाउंट में सेप्टेम्बर तक की जो हमारी प्रोत्साहन राशि वो एडवांस में उनके अकाउंटों में है। तो ये सारे स्टेप्स हमने लिए हैं। आंचल के लिए हमने एक डाइवर्सिफाई करने का बहुत बड़ा डिसीजन लिया। आप अमूल को देखिए, आनंदा को देखिए, वर्का को देखिए, ये सिर्फ दूध नहीं है, ये सिर्फ दूध के बिजनेस में नहीं है, दूध बेचना, दूध खरीदना। तो हमने आंचल को डाइवर्सिफाई करके उसको फ्लेवर्ड मिल्क में लाए, उसको आइसक्रीम में लाए, उसको हमने कुल्फी में लाए, उसको हमने मिठाइयों में ला रहे हैं। इस नवंबर में दिवाली से पहले हम आंचल के 5 मिठाई के ब्रांड, 5 मिठाई लॉन्च करने जा रहे हैं। 16,000 क्विंटल का हमने लक्ष्य रखा है बेचने का इस दिवाली पे। उसके साथ साथ हमने आंचल के कैफ़ेज़ खोले, 500 कैफ़े हमने खोलने की पूरे उत्तराखंड में बात करी है, जिसमें सिर्फ दूध नहीं, जिसमें आपको फ्लेवर में भी मिलेगा, आपको थिक शेक्स भी मिलेंगे, आपको आंचल के बनाए हुए पनीर की सैंडविचेस, बर्गर्स भी मिलेंगे। तो एक कोशिश करी हमने कि आंचल को डाइवर्सिफाई करो, आंचल की क्वालिटी अच्छी करो और जो हमारे पशुपालक और दुग्धपालक हैं उनको राहत दो ताकि दूध का काम बढ़ सके। विभाग से हटकर होगा, अब 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस आ रहा है, तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि 23 साल हमारे राज्य को बने हुए हो जाएंगे। हमने बहुत तरक्की की है, बड़े हमने प्रतिमान स्थापित किए हैं, लेकिन आपकी नज़र में ऐसे कौन से ऐसे मसले हैं जिनके समाधान बहुत पहले हो जाने चाहिए थे लेकिन वो नहीं हो पाए, तो इस पर आपकी एक समझिए। राज आंदोलनकारियों को और शहीदों को नमन करूँगा जिनकी वजह से ये हमारे प्रदेश अस्तित्व में आया है। आपने सही कहा, 23 साल हो गए, 23 साल में उत्तराखंड ने बहुत सारी अचीवमेंट्स करी हैं। अगर आप हमारे बजट को देखेंगे तो कहाँ से आज कहाँ बढ़ के 60,000 करोड़ के ऊपर का बजट हो गया है। इंडस्ट्रियल एरियाज, हमारे नए नए रोड्स, नेटवर्क सब खड़े हुए हैं। ये स्टेट बना ही इसीलिए था क्योंकि उस वक्त लोगों को लगा था कि यूपी में रह के पहाड़ों की अपेक्षा होती है, पहाड़ों में विकास नहीं पहुंच पाता। बाद में प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि जो जिस सोच के साथ इस प्रदेश को बनाया गया था, पहाड़ों पर्वतीय क्षेत्रों का विकास, आप 4 धाम रोड देख लीजिए, कनेक्टिविटी देख लीजिए, आप हर घर जल, हर घर नल वाली व्यवस्था देख लीजिए, हमारे मंदिरों का विकास देख लीजिए, आज सब कुछ पहाड़ों में जो कमियाँ थी उसको पूर्ण किया जा रहा है। लेकिन मैं 2 चीज़ों पे, जैसे जो मैंने सदन में भी, जब मैं पहली बार सदस्य बन के आया था 2017 में, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो समस्या उत्तराखंड में 2 है वो पलायन और बेरोजगारी है। और पलायन सबसे बड़ी इस वक्त समस्या है क्योंकि हम लोग एक सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, हम लोग हमारे बॉर्डर जो हैं वो चारों तरफ से जो हैं वो घिरे हुए हैं तो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ, और कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है। आज मैं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग का प्रभारी मंत्री, चमोली जिला जाना होता है, पिथौरागढ़ जिला जाना होता है। आप मालूम है घोष विलेज का जो कॉन्सेप्ट उत्तराखंड में आया है, लगभग 1100 से 1500 विलेजेस जो हैं, इन बिटवीन कोई नंबर है ये, जो कि घोष विलेज बन चुके हैं, विच इज़ नॉट सिक्योर फॉर आर स्टेट। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम पलायन पर कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे जो पिछली सरकारें हैं कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाई, जो करना चाहिए था, जो यहाँ के रोज़गार के लिए लोगों को, उनके गाँव में रोज़गार मिले उसके लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें हम फेल हुए, उसको एडमिट करने में कोई गलत बात नहीं है। और बेरोजगारी, देखिए उत्तराखंड का युवा जो है टैलेंटेड भी है, उत्तराखंड का युवा जो है अगर उसको अच्छा स्किल मिले, उसको अगर अच्छा चांसेस मिले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उत्तराखंड का युवा को रोज़गार उत्तराखंड में उपलब्ध हो, इसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 फील्ड ऐसी हैं जिनको मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट पहले हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं। डोही वाला चीनी मिल थी, सरकार का पूर्व में एक प्रस्ताव था इसको पीपीपी मोड पर चलाने के, जैसा हमारा नादेही है सितारगंज वाला है, वो अच्छा उनका घाटे से उबारने के लिए सरकार ने फैसला भी लिया था कि
क्या हमारी डोईवाला चीनी मिल को पीपीपी मोड चलाने के लिए सरकार की कोई ऐसी योजना है या सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन ले चुकी है? डोनेशन भी हुए वहाँ और नादेही चीनी में आपने मुझसे नादेही और सितारगंज की बात कही, लेकिन नादेही चीनी मिल पीपीपी मोड में नहीं है। सितारगंज चीनी मिल जब 17 में बीजेपी की सरकार आई थी तो उसको बंद करके प्राइवेट मोड पर चलाने की बात हुई थी, लीज मोड या पीपीपी मोड पर, और सितारगंज चीनी मिल 33 साल के लिए लीज मोड पर चली गई है। उसको सरकार को लगभग 2 करोड़ रुपये लीज अमाउंट हर साल मिलना है, अप्रॉक्सीमेटली इस अमाउंट पे है। डोईवाला की जहाँ तक बात है, देखिए डिस्कशंस होते हैं, सरकार का एक मत रहता है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे बहुत भारी नुकसान सरकार को उठाना पड़ता है, और लगभग लगभग जो शुगर केन हमारा सेक्टर है उसमें सरकार जो सहकारी और सरकारी चीनी मिले हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो हम लगभग लगभग 225 से 250 करोड़ रुपये हर साल एवरेजन जो है सरकार को भरपाई करनी पड़ रही है किसानों को। तो एक मत ये था कि कुछ चीनी मिलों को प्राइवेट मोड पे जो बहुत नुकसान में है या जिनकी रिकवरी के चांसेस थोड़े कम है या जिन पर गन्ना कम है उनको अगर हम प्राइवेट मोड पे देने की बात सामने ज़रूर आई थी, लेकिन फिलहाल आज के दिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें हम डोईवाला को पीपीपी मोड पर देने जा रहे हैं या बंद करने जा रहे हैं जैसे कि बीच में अफवाहें उड़ाई गई थी। एक चर्चा ज़रूर है कि कौन कौन सी ऐसी मिल हैं जिनको फ्यूचर में देखा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है या प्राइवेट मोड पर दिया जा सकता है, ये चर्चाएं सरकार में होती हैं, अच्छी चीज़ है, एक डिस्कशन होना चाहिए, एनजी डिस्कशन होना चाहिए। आपने मुझे पूछा था भी चीनी मिल के, सॉरी पहाड़ देखिए हमारी कोशिश रही है कि जो पर्वतीय हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कुछ गन्ना उत्पादन किया जाए, वहाँ के लोगों को भी गन्ना उत्पादन के साथ जोड़ा जाए, और पिथौरागढ़ में हमने इसकी शुरुआत करी थी। पिथौरागढ़ में लगभग लगभग वही हमको 2000 क्विंटल ऑर्गेनिक गन्ना हमको मिला है पहली बार, और हमने उसको किसी चीनी मिल को नहीं दिया है, हमने उसको रोजगार के माध्यम से वहीं के लोगों को मशीनें उपलब्ध कराई, जूस वहीं के वहीं की जो समितियां हैं, महिला समिति हैं, जो वहाँ के युवा हैं उन्होंने उसको फ्रेश जूस बना के मार्केट में बेचा, उसके जैगरी का गुड़ बना के मार्केट में आया, और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप चमोली में हमने टारगेट किया है कि चमोली को भी हम इससे जोड़ेंगे, जहाँ पर भी 28 से 32 डिग्री का वेदर सूटेबल मिलता है हमको, हम वहाँ पर उसको ज़रूर शुरुआत करने की हमने पहल करी है। उत्तराखंड में बेरोजगारी है और इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और सरकार भी अपने बार बार ये बात कहती है कि हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, तो ऐसे में आपके विभाग की क्या योजना है आपके पास कि हर कम से कम हर यूथ को वो नौकरी मिल सके, क्या क्या व्यवस्थाएँ इसके? नहीं हो सकती, लेकिन हाँ देखिए मेरे पास 2 विभाग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत मेजर रूप से मानता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट, जिसमें हम बच्चों को स्किल देते हैं कि आप ट्रेनिंग देते हैं कि आप किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है या किस फील्ड की डिमांड है, और उसके बाद उसकी नौकरी के लिए उसको इनिशिएट करते हैं। दूसरा जो मेरे पास है विभाग वो है हमारा ITI, जिसमें हम बच्चे हमारे पढ़ते हैं। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि स्किल डेवलपमेंट, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम डोमेन एक्सपर्ट्स के द्वारा काम करने जा रहे हैं। पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि हमने अशोक लेलैंड कंपनी से टाइप किया, MOU किया है कि जितने भी हमारे ITI के बच्चे हैं उनका अशोक लेलैंड जो है वो इन हाउस प्लेसमेंट करेगी ITI के बच्चों का, इन कैंपस में जाएगी हमारे ITI के कैंपसेस में, वहाँ पे इंटरव्यूज़ होल्ड करेंगे, और अशोक लेलैंड ने इस साल इंटरव्यू करने शुरू कर दिए हैं, लगभग लगभग 650 बच्चे उन्होंने शॉर्टलिस्ट करे हैं पूरे हमारे ITI से जिनको वो नौकरी पर रखेंगे। 3 साल के लिए लगातार ये प्रोसेस अशोक लेलैंड करेगा, हर साल उसको 1000 बच्चा हमारे ITI के कैंपस से रिक्रूट करना है। ये एक पहला स्टेप था मेरा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा अपनी सोच ये है कि अगर हम अच्छी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी के साथ काम करेंगे तो हमारे बच्चों को रोज़गार भी उपलब्ध होगा, एक उनका CV इम्प्रूव होगा और उनकी सैलरी अच्छी होगी। अब मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हमारे एक ITI का बच्चा पहले हमारे ITI से पास करके निकलता था तो उसकी एवरेज जो सैलरी उसको मिलती थी वो 9 से 11 हज़ार रुपये के बीच में लगती थी। हमने अपने 2 सेंटर्स को ट्रायल रूप में दे के, एक ITI रोशनाबाद हरिद्वार और ITI काशीपुर, इनको हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। एक हमने दिया स्नाइडर को, ITI काशीपुर स्नाइडर कंपनी को दिया जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी है, उसने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में वहाँ पर अपनी क्लासेस चलाई, खुद उसने मशीन्स लाया, खुद उसने क्लासेस चलाई, उनके एक्सपर्टीज एक्सपर्ट्स ने आके वहाँ पर ट्रेनिंग दी। और ITI रोशनाबाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिलिप्स ने हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जिसमें कि 21 बच्चों का पहला बैच निकला। हमारे ITI काशीपुर के जो 21 बच्चे निकले जो कि ऑल ओवर उत्तराखंड से थे, ऐसा नहीं था कि उसे तराई से थे, कोई चमोली से था, कोई उत्तरकाशी से था, कोई पौड़ी से था, कोई उधमसिंह नगर से था, कोई नैनीताल से बच्चा था,
और उसमें तीन हमारी बहनें भी थी, उनको 24,000 रुपये की तनख्वाह पे स्नाइडर ने एम्प्लॉय किया है। तो जो बच्चा औसतन 9 से 11,000 रुपये की सैलरी पे पहले ITI बच्चे काम करते थे, आज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से निकलने के बाद वो स्ट्रेट 22 से 24,000 रुपये की तनख्वाह पे आ रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बेनिफिट हुआ। दूसरा, हमने टाटा मोटर्स के साथ, टाटास के साथ जो कम वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, उसके साथ एक MOU साइन किया है कि हमारे 13 ITIs टाटास चलाएगा, संचालित करेगा, उसमें नए ट्रेड्स, नई टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्टर्स टाटा लाएगा, और 5 साल के लिए टाटा उन इन 13 ITIs में 350 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगा अपने, और 70 करोड़ रुपये उत्तराखंड सरकार लगाएगी, और जितने भी बैचेस वहाँ से निकलेंगे वो टाटा और उसकी सब्सिडरी कंपनीज जितनी भी हैं वो उन बैचेस को हायर करेंगे, तो वो बच्चे सिक्योर्ड हैं, उनके पास कहीं भटकने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो एक बड़ी रिप्यूटेड कंपनी के साथ काम करेंगे। अशोक लेनिन के साथ हमने 2 ITIs अशोक लेनिन को दी हैं, ITI सितारगंज, ITI बागेश्वर, जिसमें कि अशोक लेनिन अपनी क्लासेस रन करेगा और अशोक लेनिन ही उस बैच को हायर करेगा। तो लगातार एक हमारी कोशिश यही रही है, फिलिप्स को जैसे कि हमने आपको बताया कि ITI रोशनाबाद दिया है, अब मैं नेक्स्ट कैबिनेट में हम एक प्रपोजल लाएंगे जिसमें कि हम 10 और ITI फिलिप्स को देंगे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में चलाने के लिए। तो मेरी कोशिश यही रही है कि युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग मिले, रिप्यूटेड कंपनीज के साथ ट्रेनिंग मिले, और जॉब के लिए भटकना ना पड़े, जॉब भी उनको सिक्योर्ड हो, ताकि उत्तराखंड का युवा उत्तराखंड में नौकरी करे, उत्तराखंड का युवा रिप्यूटेड कंपनीज के साथ नौकरी करे, उत्तराखंड का युवा अच्छी सैलरी पर नौकरी करे। युवाओं की बात में पहले से ही उपनल एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, PRD एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जेम पोर्टल के माध्यम से भी आउटसोर्सिंग एजेंसी लाने की एक प्रावधान किया गया है, फिर जितनी IT से संबंधित जितने पद होते हैं उनके लिए NICSI NICSI को ये मतलब जिम्मेदारी दी गई है, उसके बावजूद प्रयाग पोर्टल लाने के पीछे क्या सोच है, मतलब इसका फ्यूचर प्लान क्या है प्रयाग पोर्टल का? केवल एक अदनी सी आउटसोर्सिंग एजेंसी बनेगी कि किसी 2-4 विभागों में पद निकलेंगे और उनकी जानकारी देगी, या कुछ और बड़ा युवाओं के लिए क्या प्लान? देखिए, आपने सही कहा, उपनल, PRD, NICSI ये सब आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं। मेरा एक बहुत मेरा मत था जब मैंने मंत्रालय ज्वाइन किया कि सेवा योजन, जब भी आपने सदन में, क्योंकि आप लोग भी कवर करते हैं, और जब भी सदन में एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो क्वेश्चन सेवा योजन से किए जाते हैं, ना PRD से किए जाते थे, ना उपनल से किए जाते थे, ना NICSI से किए जाते थे। सेवा योजन के पास 13 रनिंग ऑफिसेज थे, सेवा योजन के पास 8 लाख पंजीकृत युवा थे, सेवा योजन के पास 120 लोगों की स्ट्रेंथ थी, लेकिन सेवा योजन आउटसोर्सिंग नहीं करता था। तो मेरा मत ये था कि या तो सेवा योजन के सारे ऑफिसेज टूरिज्म विभाग को दे दिए जाए और टूरिज्म विभाग उनको इस्तेमाल करे और अपना काम करे, लेकिन अगर सेवा योजन के पास 120 की स्ट्रेंथ है, 8 लाख पंजीकृत युवा है और 13 ऑफिसेज हैं, तो हमको आउटसोर्सिंग करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपने आउटसोर्सिंग ड्राफ्ट प्रयास पोर्टल को ध्यान से आपने देखा है, तो हम PRD और उपनल जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, वी आर जस्ट द इनिशिएटर्स, हम इनिशिएशन करेंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एजुकेशन विभाग ने हमको कोई अपनी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग वैकेंसीज भेजी, तो प्रयास पोर्टल पर जितने लोग रजिस्टर्ड होंगे उन सब लोगों को अकॉर्डिंगली जो उसमें क्वालिफाई करने की स्थिति में है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, उनको हमारे सेवा योजन विभाग के द्वारा मैसेज जाएगी, हमारे जिले के कार्यालय द्वारा मैसेज जाएगी कि आपकी ये नौकरी निकली है, आप अप्लाई करिए। हर पोस्ट के अगेंस्ट हम 5 लोगों के नाम सेलेक्ट करके वापस एजुकेशन विभाग को भेजेंगे, कोई एक नाम नहीं जाएगा, वो भी रैंडम सिलेक्शन होगा थ्रू द पोर्टल। मेरी कोशिश ये थी कि जैसे हर एजेंसी के ऊपर एक ये आरोप लगता है कि यहाँ पर सेटिंग हो गई, यहाँ पर इसको दे दिया, इनके भतीजे, इनके वो सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ पे प्रयास पोर्टल रैंडमली इस पूल से सेलेक्ट करेगा, हर पोस्ट के अगेंस्ट 5 लोगों का नाम सेलेक्ट होगा, और जो एजुकेशन विभाग को जाएगा वो सीरियल नंबर जाएंगे, कोई नाम नहीं होंगे। अच्छा, तो उसके बाद एजुकेशन विभाग आउटसोर्सिंग एजेंसी वो तय करेगा, आउटसोर्सिंग एजेंसी के बाद इंटरव्यू वही लेगा और उन 5 में से 1 लड़के को सेलेक्ट करेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि जो 8 लाख पंजीकृत युवा मेरे सेवा योजन में है उनको भी नौकरी का अवसर मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको नौकरी दूंगा, लेकिन मैं आपको इनिशिएट करूंगा इन विभागों में नौकरी के लिए, ये मेरी सोच थी। तो हमारे 8 लाख युवाओं को एक मौका मिलेगा जो पहले नहीं मिलता था, क्योंकि जो रोजगार उपनल को भेजा जाता था या PRD को भेजा जाता था उसमें सेवा योजन के 8 लाख युवा पंजीकृत नहीं थे। तो एक मौका है उन 8 लाख युवाओं के लिए कि आप भी आज के दिन सरकारी योजनाओं, सरकारी विभागों के साथ जोड़ सकते हैं,
अपनी नौकरी पाने के लिए आपके पास भी इन्फॉर्मेशन आएगी। मेरा सवाल यह है, ट्राउट फिश उत्पादन में हिमाचल का नाम है, उत्तराखंड में कम इसको देखा जा रहा है, तो इसमें सरकार क्या कदम मतलब उठाएगी जिससे यहाँ पर भी इसका नाम? बोला सही बोला, क्योंकि ट्राउट फिश हिमाचल में 89 टू 91 के बीच में शुरू हुई थी। कुल्लू घाटी को शॉर्टलिस्ट किया गया था इंडो नॉर्वे नीति के तहत, और कुल्लू घाटी में 89 टू 91 के बीच में ये काम शुरू हुआ। हमारे प्रदेश में ये काम 2013 में शुरू हुआ ट्राउट फार्मिंग का जी, और आज के दिन 2013 से 2022-23 के बीच में हम लगभग 600 क्विंटल ट्राउट की फार्मिंग इस बार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे आज के दिन अगर आप देखेंगे लगभग 2-2.5 हज़ार परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे कोल्ड रनिंग वाटर की अबंडेंस है, जहाँ पर हमको इसकी अवेलेबिलिटी मिलती है, वहाँ पर हम ट्राउट के रेसवेज बनवाते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बनवाते हैं, स्टेट के फंड से बनवाते हैं, और लगातार कोशिश यही है हमारी कि हम ट्राउट फार्मिंग को बढ़ावा दें, क्योंकि ये एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। कोल्ड रनिंग वाटर फ्री में उपलब्ध है, रेसवेज के लिए हम सब्सिडी देते हैं, सीड्स के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं, आपकी फीड के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं, ट्रेनिंग विभाग करा रहा है, तो एक पूरी हमारी कोशिश यही रही है। मैं जिस भी जिले में जाता हूँ, मैं अभी भी पिथौरागढ़ जब होके आया हूँ, तो अगर मैं एक आप डुंगरी गाँव का मैं आपको वीडियो भेजूँगा आप देखिएगा, मेरी कोशिश यही रही है कि इस एक साल में हम एक दो फार्मर्स को ना जोड़ के इक्का दुक्का कभी कोई यहाँ पे शुरू कर दिया, कोई यहाँ शुरू कर दिया, क्लस्टर फार्मिंग पे मेरा जोर है कि पूरा का पूरा गांव उससे जोड़ा जाए। और अगर आप डुंगरी फार्म डुंगरी पिथौरागढ़ का उठाएंगे, डीडीहाट विधानसभा में ये आता है, तो उस पूरे गांव में 90 परिवार हैं और 90 में 70 परिवार आज ट्राउट फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, ट्राउट पंगास की फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। 118 वहाँ पे रेसेस बने हैं और उसी मॉडल को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। सेकेंड हम उसको पौड़ी जिले में लाए हैं, इसका काम शुरू हो गया है। जब मैं यहाँ पर आया था तो जब मैं किसानों से मिला फिश फार्मर्स से, तो उनकी बहुत बड़ी मुझसे डिमांड थी, सरकार से डिमांड थी कि जो जितने भी फिश फार्मर्स हैं उनको जो कमर्शियल बिजली दर पर उनसे हम सरकार दर ले रही थी, जो कि 5.5 रुपये प्रति यूनिट के आसपास थी, लेकिन हमारे यहाँ पर इतना महंगा जो छोटे किसान हैं जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं या ट्राउट फार्मिंग कर रहे हैं या पंगासेस कर रहे हैं चाहे कार्प कर रहे हैं, वो बहुत उनके लिए वायबल नहीं बन पा रही थी। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि जब मैं वो प्रपोजल उनके पास लेके गया तो हमने पहली बार ऐसा हुआ उत्तराखंड में कि कमर्शियल यूनिट दर हटा के उनको एग्रीकल्चर यूनिट दर पर हमने बिजली देने का काम किया है, जो कि 2.5 रुपये प्रति यूनिट पर उनको मिल रही है। आज के दिन 3.5 रुपये प्रति यूनिट वो बचा रहे हैं, जिससे उनकी वायबिलिटी बढ़ गई है। हमने मार्केट अवेलेबल कराने के लिए उत्तरा फिश एक हमारा ब्रांड है उत्तराखंड सरकार का, जो मार्केटिंग में और ट्राउट को अक्वायर करने के लिए, ट्राउट की मार्केटिंग करने के लिए हमने आगे किया है। जो एवरेजन जो हमारा कॉस्ट आ रही है जो फार्मर को लगभग 350-400 रुपये की आ रही है, और जो मार्केट में उसकी ट्राउट बिक रही है 650-700 रुपये तक बिक रही है, तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस। हमने पहला उत्तराखंड सरकार में इस बार पहली बार हमने उत्तराखंड में एक एक्वा पार्क स्वीकृत करवाया है। लगभग 80 करोड़ रुपये का वो प्रोजेक्ट है, जिसमें केंद्र सरकार का 45 करोड़ रुपये योगदान है, और हमारी मंडी वहाँ पे पहली बार मंडी बन रही है उत्तराखंड में, 20 करोड़ रुपये की मंडी बन रही है। तो एक कोशिश है हमारी कि वहीं पे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, रेस वेस की ट्रेनिंग दी जाए, और वहीं से जो हमारा उधम सिंह नगर जो हमारा एरिया है, सिर्फ ट्राउट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल फिशरीज की बात कर रहा हूँ इस वक्त। वहाँ पे पंगासेस हो, कार्प हो, हमारी दूसरी फिश है, उन सब का एक सेंटर है उधम सिंह नगर, जहाँ पे 3-4 डैम्स भी हैं, तो हमारा एक्वा पार्क वहीं पे स्थापित होगा, वहीं पे हमारी मंडी स्थापित होगी, और वहीं से फिर हम पूरे कुमाऊं और गढ़वाल को खेटा करेंगे। पैसा तो कहाँ तक उसको आपने भी उसमें वो जी, तो उस अभियान का कोई नतीजे पे पहुँचे जी? वो पूरा अभियान शुरू किया था। अभियान शुरू करने का मकसद बहुत सिंपल था कि आज आप उत्तराखंड की सड़कों पर जाइए, आपको हर जगह निराश्रित गौवंश दिख रहा है आपको, और उससे हानि भी हो रही है, किसानों को हानि हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है, जानवर को चोट लग रही है। तो सेल्फी वे पेट से कंपैशनेट प्रोग्राम हम रन करना चाहते थे, ताकि लोग जो अपनी कहानियां शेयर करें, जिन्होंने निराश्रित पशुओं को सहारा दिया है या उनकी देखभाल करी है या उनका इलाज किया है, जब वो लोग अपनी कहानी शेयर करेंगे सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से, तो हो सकता है उससे दूसरों को प्रेरणा मिले इन जानवरों का ध्यान रखने के लिए। दो ढाई महीने वो प्रोग्राम हमने चलाया, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सामने आई, हर ज़िले से लोगों ने अपनी कहानियाँ शेयर करी, और उसके टॉप 3 विनर्स शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है उसमें प्राइज वितरण कराने के लिए, लेकिन आपको मालूम है इन्वेस्टर्स चल रहा है, पूरा प्रोग्राम चल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का समय नहीं मिल पाया है,
मुझे उम्मीद यही है कि फर्स्ट वीक नवंबर तक में हम इस प्रोग्राम को तीनों जो हमारे टॉप थ्री विनर सेलेक्ट हुए हैं उनको हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के उद्घाटन कर देंगे। क्षेत्रों में देखते हैं हम सरकार तमाम प्रयास भी कर रही है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, 2 गाय 3 गाय 5 गाय ये भी योजना चल रही है, पर एक सवाल आता है पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम देखें वेटनरी का जो सिस्टम है इलाज पशुओं का इलाज, अगर उनको कृत्रिम गर्भाधान के लिए ले जाएं तो काफ़ी दूर ले जाना पड़ता है, टीकाकरण के लिए काफ़ी दूर, तो इस दिशा में भी क्या सरकार ये चाहती है पशुपालकों को घर द्वार पर भी इलाज मिले उसको पशुओं का? धीरे धीरे देखिए कहीं ना कहीं डिफंक्ट होते चले जाएंगे। जितने भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो AI की आ रही हो, चाहे वो लंबी स्किन डिजीज वैक्सीनेशन की आ रही हो, चाहे वो फुट एंड माउथ डिजीज़ की आ रही हो, ये सारे डोर टू डोर सर्विस पे हो गए हैं। और कोई भी व्यक्ति बड़ा जानवर लेके आज के दिन अस्पताल नहीं आ पा रहा क्योंकि सब उस सारी सर्विसेज को घर पे दी जा रही है। मेरा अगला स्टेप जो अगले हमने जो हम बनाएंगे पॉलिसी वो डोर टू डोर को स्ट्रेंथन करने की ही बनाएंगे। उसमें बहुत बड़ा कदम हमने उठाया है कि 1962 की जो एम्बुलेंस है हमारी उसको हमने लॉन्च किया उत्तराखंड में, 60 एम्बुलेंसेज हमने लॉन्च करी जिससे जिसका बहुत अच्छा हमको वो रिजल्ट मिला है। लगभग उस एम्बुलेंस के द्वारा हम लोग अभी तक 31,000 जानवरों को ट्रीट कर चुके हैं पूरे उत्तराखंड में। काफ़ी जो जानवर थे उनको ट्रीटमेंट मिला है, कुछ को दवाइयाँ दी गई जैसे भी होगा। और आपने वेटरनरी डॉक्टरों की कमी की बात बताई, आपने ग्रेड 2 के हमारे AEOs की कमी की बात बताई है। देखिए हमने 70 डॉक्टरों की परमिशन ले ली है जिनका टेंडर भी हो गया है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम 70 डॉक्टरों को एम्प्लॉय करने जा रहे हैं जिनको हम 13 के 13 जिलों में फिर भेजा जाएगा। उसके साथ साथ हमने जो ग्रेड 2 के डॉक्टर्स हैं हमारे उसके 91 पद हमने लोक सेवा आयोग को भेज दिए हैं जिनकी एग्जाम की डेट भी प्रकाशित हो गई है। तो जैसे ही वो एग्जाम से हमको 91 ग्रेड 2 डॉक्टर्स मिलेंगे हम उनको भी जिलों में कर देंगे। उसके साथ कोशिश कर रहे हैं हम कि जो हमारे LEOs हैं लगभग 1300 LEO के पद हैं हमारे पास जिसमें से 300 ही कार्यरत हैं, 350 के आसपास कार्यरत हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि हमको आउटसोर्सिंग के माध्यम से LEOs को भी रखने की परमिशन दे दी जाए क्योंकि सिर्फ डोर टू डोर सर्विस के लिए नहीं। अभी आपको मालूम है कि बहुत बड़ी एक समस्या उत्तराखंड में आई पिछले साल और इस साल, लंबी स्किन डिजीज़। और लंबी स्किन डिजीज़ में बहुत मुश्किल हुई हमको, कम स्टाफ होने के वजह से वैक्सीनेशन ड्राइव में बहुत प्रॉब्लम आई, घर घर लोगों को जानवरों को वैक्सीनेट करने में समस्या आई, लेकिन फिर भी उत्तराखंड नॉर्थ इंडिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा लंबी स्किन डिजीज़ में। हमारी मृत्यु दर लगभग सिर्फ 1.8% थी, हमारी रिकवरी दर लगभग 98.2% की थी। और इस बार भी जब लंबी स्किन डिजीज़ आई है तो हमारे LEOs ने, हमारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने लगभग 15 लाख जानवरों को अभी तक वैक्सीनेट कर दिया है। हमारे यहाँ 780 जानवरों की डेथ हुई है और जहाँ तक मुझे पता है 98.1% की रिकवरी दर है और 2% का हमारा शायद मृत्यु दर है इस बार की। तो कोशिश हमारी रही लेकिन ये स्टाफ पूरा ना होने की वजह से जो थोड़ी बहुत डिले हुई है उसकी वजह से हम लोग चिंतित हैं। और मैं पूर्ण कोशिश कर रहा हूँ कि LEOs ग्रेड 2 और ग्रेड 1 ये तीनों के अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द किए जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।